हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक MI का सेट आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सिंपली फ्रेंड देख सकते हो। तो फ्रेंड, इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड, इसकी जो बैटरी बैकअप वो बिल्कुल नहीं चल रही है। और कस्टमर का कहना है कि ये जो फ़ोन है वो किसी और टेक्नीशियन के पास भी दिया हुआ था, बट वहाँ पे ये रिपेयर नहीं हो पाया। तो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो के अंदर ये फ़ोन फ्रेंड ऑन है और प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल ही नहीं चलती है। मतलब कस्टमर का कहना है कि बहुत जल्दी जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब बैटरी 1 से 1.5 घंटे के अंदर बैटरी डाउन हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलो एक बार इसको हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कि क्या दिक्कत हो रही है, कि इसकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो जा रही है, मतलब जल्दी ख़त्म हो जा रही है। तो फ्रेंड, ये फ़ोन ऑन है, अभी इसकी बैटरी डाउन है, इसीलिए मैं इसको ऑन करके आपको नहीं दिखा सकता, बट मैं एक बार इसको चार्ज में लगा के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो फ़ोन है फ्रेंड वो ऑन है। देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको चार्ज में लगाया तो यहाँ पे ये रेडमी लिखा हुआ आ चुका है, मतलब फ़ोन जो है हमारा अभी ऑन है और इसकी बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है फ्रेंड। बैठ जाती है बैटरी, जल्दी चार्ज भी नहीं होती है फ्रेंड, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं ओपन और चेक करते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो चलो तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो मदरबोर्ड की कंडीशन, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया और इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की इसकी कंडीशन है फ्रेंड, ठीक है। तो दिख रहा होगा ऑलरेडी किसी ने इस पर वर्क किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी बैटरी कनेक्टर को यहाँ से निकालते हैं, और निकालने के बाद फ्रेंड इसकी प्रॉब्लम क्या है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अपने मल्टीमीटर को बीप जो बजर मोड पर सेट करके और इसकी शॉर्टिंग को एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है देख सकते हो बजर मोड में हमारा फ़ोन है। सबसे पहले इसके बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग को हम चेक कर लेते हैं, ये रिवर्स वाइज में चेक कर रहे हैं फ्रेंड। ये हमारी पॉजिटिव है जिस पर मैंने अभी नेगेटिव को रखा हुआ है, और ये हमारी पॉजिटिव है फ्रेंड, ठीक है। अभी हम प्रॉप चेंज करते हैं और इसकी जो पॉजिटिव पे पॉजिटिव टच करते हैं, तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है फ़ोन के अंदर। अभी ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है, ये हमारी सेकेंडरी लाइन के अंदर आता है, तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि, तो ये हम पॉइंट चेंज करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारी नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा रिवर्स वाइज में चेक कर पा रहे हैं अभी इसको हम। अभी एक बार प्रॉप फिर से चेंज करते हैं और एक बार फिर से इसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है शॉर्ट दिखा रहा है फ़ोन, देख सकते हो यहाँ पे 350 तकरीबन है, जो कि हमारी फॉरवर्ड वाइस में है। इतनी रीडिंग यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी फ्रेंड, ठीक है। हमारा जो रीडिंग है इसके अंदर 1000+ होना चाहिए था फ्रेंड, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो इसी के वजह से हमारी जो बैटरी वो ड्रेन हो रही है, मतलब बैटरी जो हमारी पूरी तरीके से खा रही है फ्रेंड, ठीक है, बैटरी, और इसी के वजह से इसकी बैटरी नहीं चल रही है, ठीक है। तो चलो एक बार करके इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसकी शॉर्टिंग को चेक करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ पर। तो ऑलरेडी किसी ने जो है वर्क किया हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ पर सिंपली दिख रहा होगा। इसका जो है हम यहाँ से नेटवर्क वायर निकालते हैं, यहाँ से इसको मैंने निकाल दिया है, और ये हमारा बोर्ड है मदरबोर्ड, ठीक है, ये ऊपर साइड। और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो ये पीछे साइड की भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है इनका बोर्ड का। और यहाँ पे देख सकते हो कि किसी ने जो है यहाँ का जो मदरबोर्ड है उसको भी खोदोड़ा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर गड्ढा बना हुआ पूरा, देख सकते हो। और यहाँ पर हमारी 4G वाली PFO, ठीक है, नेटवर्क IC, ये हमारी है आपको क्वालकॉम 632, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस तरीके की कंडीशन है इसकी। तो सबसे पहले इसका कैमरा वगैरह को हम यहाँ से ओपन कर देते हैं फ्रेंड, वीडियो पूरा दिखेगा फ्रेंड, और चेक करते हैं इसकी प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड को जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं यहाँ से वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप इसकी जो प्रॉब्लम है पहले उसको हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हम एक एक बार सारे कैपेसिटर को चेक करेंगे, कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट है या कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये भी कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा फ्रेंड, और ये भी दिखा रहा, और ये भी ये नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा और ये दिखा रहा, ठीक है। चलो आगे चेक कर लेते हैं एक बार, इधर नहीं है कुछ भी। यहाँ पे लाइट सेक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हो लाइट सेक्शन में भी यहाँ पे कैपेसिटर एक शॉर्ट दिखा रहा हमारा, ठीक है। चलो
चलो अब इसके मदरबोर्ड के इस साइड देख लेते हैं। फ्रेंड आपने देखा कि काफ़ी सारा कैपेसिटर जो इसके अंदर शॉर्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर फ्रेंड वो भी शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैपेसिटर फ्रेंड ये भी शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे। और ये हमारी PFO जो हमारी 4G वाली नेटवर्क आई सी है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर भी जो है शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर भी पूरा फुल शॉर्ट दिखा रहा है। फ़ोन हमारी कंप्लीट ऑन हो पा रही है और मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है और इसी के वजह से इसकी जो बैटरी वो बैकअप नहीं दे रही फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपली आपको मालूम है कि इसको जो किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। आपको मालूम चल गया क्योंकि ये फुल शॉर्ट है, अगर ये हाफ शॉर्ट होती तो इसको अलग तरीके से हम फाइंड करते फिलहाल, ठीक है। मगर इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वैसे ही है, यहाँ पे जो हमारी सेकेंडरी लाइन के अंदर जो भी देख सकते हो यहाँ पे ये हाफ शॉर्ट ही जैसा फ़ोन दिखा रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे 300 कुछ जहाँ की आपको 1000 प्लस आना चाहिए था, देख सकते हो यहाँ पे 300 कुछ रीडिंग जो हमारी नेटवर्क सेक्शन से मिल रही है और जो कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये भी कैपेसिटर शॉर्ट है और यहाँ पर भी ये शॉर्ट है, तो और उसके बाद फ्रेंड ये जो एरिया है हमारा वो भी शॉर्ट है। तो सिंपली करते क्या है, अभी आपको मालूम है कि रोजिन पेस्ट हम इस्तेमाल करके इसको जो प्रॉब्लम फाइंड कर लेते हैं। चलो फ्रेंड तो फटाफट इसको हम प्रॉब्लम को देखते हैं कहाँ से है। तो पहले हम रोजिन पेस्ट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ वीडियो को और इसको ग्राउंड यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे एक बार हम टच करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने इधर टच किया, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है देखने को, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला देखने को फ्रेंड, ठीक है। तो चलो इधर एक बार नेटवर्क IC पे हम करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो IC है वो यहाँ पे अभी गर्म हो रही है। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारे पास नेटवर्क सेक्शन की IC है ये पूरी तरीके से यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि देख सकते हो ये वाली जो हमारी IC है वो पूरी तरीके से यहाँ पे मेल्ट हो गई है। और इधर की अगर हम बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ यहाँ से मेल्ट नहीं हुई है फ्रेंड, ठीक है। और ये हमारा वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर कार्बन लगा हुआ था, ये हमारे वायर के ऊपर, तो इसीलिए ये टच नहीं कर पा रहा था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एरिया कोई भी मेल्ट नहीं हुआ है और इधर की जो ये एरिया है हमारी नेटवर्क सेक्शन की यहाँ पे जो बूस्ट करने के लिए लगा होता है यहाँ पे IC, ये IC हमारी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। तो एक बार फिर से इस पर हम रोजिन पेस्ट अप्लाई करते हैं और फिर से एक बार इसकी प्रॉब्लम को चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ब्लैक वाला पॉइंट है इसको सिंपली सीम ट्रे के ऊपर ही ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार देखते रहना, ठीक है। तो देख सकते हो फ्रेंड ये जो हमारी IC है वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो वो मेल्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड ये, ठीक है, ये हमारी IC जो है वो मेल्ट हो चुकी है। और इधर हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी मेल्ट नहीं हुई है फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो IC है सिंपली पहले इसको हम निकालते हैं और निकालने के बाद फ्रेंड देखते हैं इसके अंदर की जो शॉर्टिंग आ रही है वो शॉर्टिंग हटती है या नहीं हटती है, उसको एक बार हम चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम आउट कर देता हूँ और पहले हम एक बार इसकी शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो ये जो कैपेसिटर है वो भी दोनों साइड से यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम जैसा कि मैंने मुझे कस्टमर ने बता ही दिया है कि प्रॉब्लम जो है इसके अंदर वो बैटरी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, इसके वजह से दिक्कत आ रही है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसकी जो ये IC है उसको जो यहाँ से जो हम पहले निकाल देते हैं। तो फ्रेंड ये जो IC सिंपली पहले इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो
तो सिंप्लीफाइड देख सकते हो, जैसा कि मैंने इसकी जो आईसी है उसको यहाँ से मैंने निकाल दिया है बाहर, शायद आपको ये सही तरीके से दिख नहीं रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको, देख सकते हो फ्रेंड ये है आईसी इसकी, जो कि मैंने इसके अंदर से अभी बाहर निकाल दिया है, देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। और चलो एक बार इसको हम इस आईसी को यहाँ पे साइड में रख देते हैं, और साइड में रखने के बाद इसकी जो सॉर्टिंग है उसको एक बार यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इसके अंदर सॉर्टिंग की आ रही थी, और प्रॉब्लम जैसा कि कस्टमर ने कहा मुझे कि बैटरी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, ठीक है। तो अभी जैसा कि हमारा मदरबोर्ड थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने का यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये फाइनली अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये भी कैपेसिटर को एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हो एक साइड इसकी रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है, और एक साइड इस साइड चेक कर लेते, ये हमारी ग्राउंड है, इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये फ्रेंड हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 0.48 जो है हमारी वो रीडिंग आ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी शॉर्ट नहीं है, ठीक है, ये मदरबोर्ड हीट है, इसके वजह से इस तरीके का आ रहा है। अभी हम इसे क्या करते हैं, एक बार नेटवर्क सेक्शन पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमको शॉर्ट दिखाई दे रहा था। तो एक बार इसको हम रिवर्स वाइज में पहले चेक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी रीडिंग आ रही है, 600 कुछ आ रही है, ठीक है। अभी इसको फॉरवर्ड वाइज पे चेक करते हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे 300 कुछ आ रही थी। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग फिलहाल नहीं दिखा रहा है, आपको सही तरीके से दिख रहा होगा, मतलब मदरबोर्ड के अंदर की जो शॉर्टिंग थी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है फ्रेंड, ठीक है। और ये शॉर्टिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और आराम से जो है आपकी फ़ोन के अंदर की जो बैटरी बैकअप है या बैटरी की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे जो हमारी 110% जो वो वर्किंग करेगा, ठीक है। तो एक बार जो है फ्रेंड जैसा कि शॉर्टिंग मैंने आपको दिखाई दिया, और इसके एक बार नेटवर्क सेक्शन पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो भी यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा था। तो इसको भी एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, क्या ये शॉर्ट अभी भी है या हटा। तो ये देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर भी इसकी शॉर्टिंग वो हट चुकी है, और एक साइड इसकी ग्राउंड आ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आपको पता चल गया फ्रेंड किस तरीके से जो है इसको मैंने फाइंड किया, और क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर, बैटरी नहीं चल रही थी, यही प्रॉब्लम थी इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड, और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, ठीक है। और हम मिलते हैं कोई ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए फ्रेंड, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।